Hello, dear friends. Good evening. WhatsApp looks to know more about you in 2021. Even data about a user's phone model, mobile network, battery level, and other technical details will now be accessible on by Facebook. Report by Zeb Stu. Last week, WhatsApp started. Asking users to agree to new term of service and a new privacy policy for its messaging app. While the request may seem innocuous, industry industry analysts are concerned that the new terms may open the door to new invasive advertising practices by WhatsApp and its parent company Facebook. Pressing the accept button. On the new term, new terms allows WhatsApp to share all of your user data with Facebook. This may include account details, certain metadata associated with your chats and location information that may exceed what your regular location sharing settings allow. Users in countries where WhatsApp Pay is enabled may have their financial details linked to their Facebook accounts, and even data about a user's phone model, mobile network, battery level, and other technical details will be will now be accessible by the social network networking giants. If you don't want to accept the terms, देट कम इन टू इफेक्ट ऑन फेबरवरी एट यू हैव ओनली दी ऑप्शन डिलीट व्हाट्सएप फ्राम योर फोन वाट्सएप एप्लीकेशन हैज़ मोर मोर दैन टू बिलियन यूजर्स अराउंड दर्ल्ड दोस्तों व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी शुरू की है और लोगों से उस पर पूछा है राय ली है कि भाई आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो पॉलिसी क्या है उन्होंने क्या पूछा है उन्होंने बड़ा ख़तरनाक काम किया है और उन्होंने बड़े रास की बातें जो है ना लोगों से एक्सेप्ट करने को कही हैं अगर कोई एक्सेप्ट ना करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है उन्होंने जो चीज़ें पूछी हैं वो ये हैं व्हाट्सएप दो हज़ार इक्कीस में आपके बारे में मज़द मत हासिल करना चाहेगा यहाँ तक कि आपका फ़ोन का मॉडल मोबाइल का नेटवर्क बैटरी लेवल और दीगर फ़नी सलाहियत की तफसीत के बारे में आपका डेटा आप फेसबुक को देगा ये व्हाट्सएप अच्छा ये रिपोर्ट है जेप स्टूप की पिछले हफ्ते व्हाट्सएप ने अपने सार्फी से अपनी पैगाम ऐप के लिए सर्विस की नई नई म्याद और आजदारी की नई पॉलिसी के मुताल उनसे पूछा है कि क्या आप इस नई पॉलिसी से इतफाक़ करते हैं अगर चे दरखास्त तो अजीब है यानी ये जो नई पॉलिसी है ये तो अजीब है और ये नई टर्म वाली वाली लेकिन ये सनती तजिया को तशवीश है इससे कि इसके ज़रिए नागवार इश्तारी तरीकों का रास्ता खुल जाएगा इसके लिए भी और इसके जो इसकी जो बाप है इसका जो बाप है फेसबुक क्योंकि ये फेसबुक की मलकियत है तो उस नई पॉलिसी में अगर आपने एक्सेप्ट का बटन दबा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका तमाम यूज़र डेटा फेसबुक को मुंतकिल होगा इसमें अकाउंट की तफसीलात, आपकी चैट से वाबस्ता कुछ मेगा मेटा डेटा आपकी लोकेशन के बारे में और आपके डेली लोकेशन के बारे में कहाँ कि आप कहाँ रहते हैं कहाँ आते जाते हैं आप किस जगह पर हैं लोकेशन उस जगह को कहते हैं जो कि आपकी बाकायदगी से मकाम की शेयरिंग के बारे में शेयर करेगी फ़ेसबुक की यानी आपकी लोकेशन शेयर करेगी वो फ़ेसबुक को देगी लोकेशन शेयर करेगी आपकी चैट से मुतालिक चीज़ें फ़ेसबुक को शेयर करेगी आपके फ़ोन का मॉडल शेयर करेगी आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे शेयर करेगी आप जो चीज़ें हैं उस पर भेजेंगे व्हाट्सएप पर वो जो है ना फेसबुक को देंगी आपका अकाउंट डिटेल आपको देंगी और ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो वाट्सप पर होती हूँ वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी अभी नहीं आठ फरवरी को ऐसे ममालिक में जहाँ वाट्सएप की पेमेंट होती है वो उस सारिफ की माली तफ़ीलत उनके फ़ेसबुक अकाउंट से मुंसलिक करेंगे जहाँ पर पेमेंट होती है व्हाट्सएप पर तो उनकी जो माली तफ़ील हैं अकाउंट डिटेल जो हैं पैसों के बारे में तनख्वाह के बारे में वो भी फ़ेसबुक पर आपको अभी मुहैया होगी मिल सकेगी यहाँ तक कि आपके फ़ोन का मॉडल मोबाइल नेटवर्क बैटरी का लेवल और दीगर फ़नी तफसील के बारे में भी अदादोशुमार अब समाजी रबिते की कंपनी के ज़रिए काबिल रसाई होगी यानी ये तमाम तफसील अब फेसबुक पर मिलेंगी अगर आपने ये नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया अगर आपने एकप्ट का बटन नहीं दबाया तो फ़रवरी की आठ तारीख के बाद आप व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दें व्हाट्सएप को दुनिया में कोई दो अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं शुक्रिया